हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिया हुआ है कितना, 4n - n2, और आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। बुक में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। समझा दूंगा मैं क्या है ये। आपको बुक में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, A1 को बोलते हैं, तो मैंने A1 लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, बोल रहा है सम, बोल दिया ना, सम का मतलब S, तो मतलब आपको S2 फाइंड करना है। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बोल रहा है, तो आप A2 कैसे लिख सकते हो उसको, ये तो सेकेंड टर्म है ना, टर्म की बात थोड़ी कर रहा होगा, सम की बात कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो आपको S2 फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने S2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे फाइंड करने बोला है, सेकंड टर्म फाइंड करने बोला है, सेकंड टर्म की बात कर दिया ना, वो सेकंड नंबर पे आया है, तो वो हो गया A2। यहाँ पर आपको थर्ड टर्म फाइंड करने बोल रहा है, ये हो गया A3। यहाँ पर आपको टेंथ टर्म फाइंड करने बोल रहा है, ये हो गया A10। यहाँ पर आपको फाइंड करने बोला है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म आपको फाइंड करने बोल रहा है। सम जहां बोल देगा वहां तो एस लगाएंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये आपको पहले पता लगाना है, An दिया हुआ है ये, या ये SN दिया हुआ है, ये क्या है आपको पता करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम बोल दिया है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो ये SN दिया हुआ है, नॉट AN, AN नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चों को कि ये SN है या AN है। इसके बाद मैंने बताया है आपको कि जहां पर भी आप N देख लिया, आप N को 1 रख के देखेंगे तो वो हो जाएगा S1, जब यहाँ पर आप N को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, S1। ठीक है ना, तो हम देखते हैं करते हैं इसको। तो हमें ये तो पता लग गया यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है यहाँ पर, तो SN कितना दिया हुआ है, 4n - n2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर S1 फाइंड करते हैं पहले हम 1 पुट करके। ठीक है, N को 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, N1 है। ठीक है, माइनस N कितना है, 1 है, तो 4 1 = 4, ये 1 का इसका 1 होता है, तो ये कितना आएगा, 3। तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3। देखिए S1 बोलिए चाहे इसको आप A बोलिए, दोनों बात सेम है, ये A1 भी है और ये S भी है। आप खुद सोचिए ना, पहला टर्म कोई है, ये 3 है, और दूसरा टर्म मान लीजिए 6 है, तीसरा टर्म 9 है, तो आप ये फर्स्ट टर्म हो गया इस टाइम में, और यहाँ पर यहाँ तक आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये SN भी हो गया, S1 भी हो गया। अरे पहला 1 टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा ना, तो ये A1 भी बोल सकते हैं इसको, इसको S1 भी बोल सकते हैं। अगर वो बोलता सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म बोलता तब भी ये A1 ही बोलेंगे इसको हम। ठीक है, आप खुद देखिए ना, पहला टर्म ये A1 है ना, इसको तो S1 बोलेंगे, मतलब पहला चीज को, पहला चीज जोड़ के पहला टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो पहला टर्म तो एक ही है ना, तो इसको क्या जोड़ेंगे। अगर 2 टर्म बोलेगा S2 तो 2 चीज जोड़ेंगे हम, तो S1 ही A होता है, तो यहाँ पर A1 तो आ गया हमारा। अगर वो S1 बोलता तब भी वही होता, और वो A1 बोल रहा है तब भी वही है, तो N को 1 रखा तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। अब बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, हम इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, N को 2 रख देंगे, N को यहाँ पर 2 रखिए, S2 आ जाएगा। आप कुछ सोचिए ना, SN दिया हुआ है ना ये, तो 2 कैसे आएगा यहाँ पर, जब N को 2 रखेंगे तब तो 2 आएगा ना, तो N को 2 रखिए यहाँ पर, तो 4, यहाँ पर N को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 2 = 8, ये 2 2 = 4, तो ये कितना आएगा, 4। मतलब आपका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आ गया, 4 आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 आ गया। अब आपको सेकंड टर्म फाइंड करने बोला है, सेकंड टर्म आपको फाइंड करने बोला है, A2 आपको फाइंड करने बोला है। देखिए A2 कैसे फाइंड करेंगे, A2 कैसे आएगा, देखिए S1 कितना आया, S1 कितना आया, साइड में करके बता रहा हूं मैं इसको, S1 कितना आया, 3, और S2 कितना आया, 4। ये A1 नहीं है, मैं A1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको A1 नहीं लिख रहा हूँ, हमें इसको A2 नहीं लिख रहा हूँ, ये S2 बोल रहा है, मतलब दो चीजों को जोड़ के, S2 का मतलब क्या है, दो टर्म को जोड़ के 4 आ रहा है ना, दो टर्म को जोड़ के 4 आ रहा है, ये वो टर्म नहीं है, ये हमको टर्म निकालना है, S2 दिया हुआ है 4 और S1 दिया हुआ है, ये S1 है और ये S2 है, तो आप खुद सोचिए ये दो चीजों को जोड़ के 4 आ रहा है, तो मैं S2 को ऐसे लिख सकता हूँ, S2 को मैं लिख सकता हूँ, S2 का मतलब क्या होता है, A1 + A2, S2 का मतलब क्या होता है, मतलब दो टर्म को जोड़ के, तो S2 का मतलब क्या होगा, A1 + A2, बात क्लियर है ना, ये A2 थोड़ी है, ये
ये तो एस टू है। एस टू का मतलब पहला दो चीज जोड़ के, तो पहला दो चीज क्या होता है, पहला दो टर्म क्या होता है, ए वन और ए टू होता है। तो एस टू कितना दिया हुआ है, एस टू दिया हुआ है हमें 4, हमने फाइंड किया अभी, और ए वन हमने अभी फाइंड किया, कितना ए वन कितना आया 3। तो हम यहां से ए टू आराम से फाइंड कर सकते हैं ये वाला टर्म, ठीक है ना। एस का मतलब क्या होता है, वहां तक जाके जोड़ेंगे। अगर कोई बोलेगा एस थ्री मतलब पहला तीन टर्म जोड़ के, एस फोर मतलब पहला फोर टर्म जोड़ के, तो यहां पर एस टू बोल रहा है मतलब दो चीजों को जोड़ के आया होगा ना ये। तो यहां से आप ए टू आराम से निकाल सकते हैं, 4 ये 3 तो जाएगा क्या होगा 1, मतलब ए टू कितना आ गया 1, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ए टू कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें ए थ्री निकालना है, मगर इस बात को देखिए, अब यहाँ पर टेंथ टर्म निकालने बोल रहा है, टर्म बढ़ते जा रहा है, अगर हम ऐसे करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक बात और देखिए यहाँ पर आप, कि ये जो मैंने सेकेंड टर्म निकाला वो कैसा आया। सेकेंड टर्म निकालने का एक और तरीका है, सेकेंड टर्म जब भी बोलेगा तो एस टू माइनस एस वन कर दीजिए। मतलब सेकेंड टर्म का मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म तक जाके हम जोड़ेंगे, पहले देखिए सेकेंड टर्म तक जाके जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म तक जाके जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 4 में से 3 का कितना आएगा, सेकेंड टर्म कितना है 4 है, और फर्स्ट टर्म कितना है देखिए, सेकेंड सम ऑफ सेकेंड टर्म कितना है 4 है देखिए, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 वैसे तो आ रहा है। तो मेरे को पता लग गया इससे पहला टर्म निकालना तो आसान है, दूसरा टर्म निकालना आसान है, यहाँ पर टेंथ टर्म बोलते हैं दिक्कत आ जाएगी आपको। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई, यहाँ पर सेकेंड टर्म बोल रहा है मतलब दो टर्म जोड़ के, पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। जब भी आपको सेकेंड टर्म निकालने बोले तो आप क्या सोचेंगे, एस टू सेकेंड टर्म क्या टू है ना यहाँ पर, तो एस टू ले लीजिए, एस टू माइनस उससे पहले वाला टर्म कौन सा है एस वन, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ए टू आ जाएगा, तो ए टू कितना आ गया 1। वैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको ए थ्री निकालने बोल रहा है, ए थ्री निकालने बोल रहा है, ए थ्री क्या बताया मैंने यहाँ पर देखिए, वैसे कीजिए ए थ्री निकालने बोल रहा है मतलब पहला सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, पहला तीन टर्म क्या उसको जोड़ लेंगे, माइनस थ्री के से पहले क्या आता है टू आता है, पहला दो टर्म कितना उसको जोड़ लेंगे एस टू, ये आपका ए थ्री आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हमको एस थ्री पता होना चाहिए और एस टू पता होना चाहिए। एस टू कितना है, एस टू 4 है, एस थ्री पहले पता करेंगे हम, एस थ्री कितना आएगा देखिए। ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहाँ है देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमने ये किया, इसका पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ये तीसरा पार्ट है इसका, और ये इसका चौथा पार्ट है, ये पांचवा और ये छठा पार्ट है। तो पहला पार्ट इसका मैंने सॉल्व किया है, बोला फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ से हमने एन को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आ गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म, तो हमने एन को 2 रखा तो आ गया सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये तीसरा पार्ट बोल रहा है सेकेंड टर्म फाइंड कीजिए, सेकेंड टर्म, तो ये तीसरा पार्ट है सेकेंड टर्म, मैंने सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो एस टू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, और ये तीसरा पार्ट करने का एक और तरीका है, ठीक है ना। ये अब हम कर रहे हैं चौथा पार्ट, चौथा पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म जैसे हमने इसको किया, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इसको घटाएंगे तो पक्का ए थ्री आ जाएगा ये, ठीक है। तो एस थ्री हमको पहले पता नहीं है, एस थ्री पहले फाइंड कीजिए, एस थ्री कैसे फाइंड करेंगे, एस थ्री फाइंड करना है तो एन को क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे, रख के देखते हैं, एन को 3 रखते देखिए, 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर एन को 3 रखना है, तो ये कितना आएगा, 4 3 12, 3 3 9, ये कितना आएगा, 12 में से 9 हो गया, कितना आएगा 3, तो मतलब एस थ्री कितना आ गया हमारा, एस थ्री कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर आप ए थ्री फाइंड करने बोला आपको, ए थ्री क्या होता है, एस थ्री माइनस एस टू, एस थ्री कितना है 3, और एस टू कितना है, एस टू हमने निकाला कितना है 4 है, ये कितना आएगा आपका माइनस 1, मतलब ए थ्री कितना आ गया आपका माइनस 1, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया, फिर आपको ए टेन निकालने बोल रहा है, ए टेन निकालने बोल रहा है आपको, ए टेन कैसे निकालेंगे आप, ए टेन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एस टेन माइनस में एस 9, यही तो बोल रहा हूं मैं आपको, 10 टर्म निकालने बोल रहा है वो, 10th टर्म। एस टेन का मतलब क्या होता है, पहला 10 चीजों को जोड़ के, और एस 9 का मतलब क्या होता है, पहला 9 चीज जोड़ के, तो 10 चीजों जो जोड़ के आएगा और 9 टर्म जोड़ के जो आएगा उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा ना 10वां टर्म। तो उसको करने से बढ़िया हम डायरेक्ट एस टेन माइनस एस 9 लिखे, जैसे हमने यहाँ पर किया, थर्ड टर्म निकालने बोला क्या किया, एस 3 माइनस एस 2 किया, तो आप एस टेन निकाल लेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, एन को 10 रखेंगे, एन को 10 रखेंगे
और यहाँ पर एस नाइन कैसे निकालेंगे, एन को नाइन रखेंगे तो फिर घटा देंगे तो टेंथ टर्म आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए इसको क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको फर्दर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ एट एन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमें एस एन कितना दिया हुआ था, यहाँ पर फोर एन माइनस में एन स्क्वायर। मैंने क्या बोला, एट एन निकालना है। एट एन निकालने के लिए मेरे को चाहिए एस टेन माइनस में एस नाइन। तो एस टेन पहले निकालूंगा, एन को टेन रखते हैं ना, एस टेन आ जाएगा तो एन को टेन रखते हैं, फोर टेन जा फोर्टी। और यहाँ पर क्या होगा, एन को टेन रखिए, टेन का स्क्वायर कितना होता है हंड्रेड, तो फोर टेन जा फोर्टी और यहाँ पर क्या होगा हंड्रेड, ये कितना आएगा माइनस का 60। अब यहाँ पर हम सम ऑफ नाइन्थ टर्म निकालते हैं, एस नाइन निकालते हैं। देखिए एस नाइन, एन को क्या रखेंगे नाइन रखेंगे, ठीक है, माइनस एन को क्या रखेंगे नाइन रखेंगे, तो फोर नाइन जाए कितना होगा 36, ये नाइन नाइन जाए 81, इसको घटाइए कितना आएगा 81 में से 36 का कितना आएगा 11 में 6 गया 5, इसको एक दिए ये 45 माइनस का आएगा, साइन किसका बड़ा, माइनस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का 45। तो यहाँ पर एट एन कैसे निकलेगा, ये जो एट एन है क्या हमने क्या लिखा है एस टेन माइनस में एस नाइन, तो एस टेन कितना आया माइनस का 60 और एस नाइन कितना आया ये माइनस का 45। ये माइनस पहले से है और ये माइनस अभी आया है सम ऑफ नाइन टर्म, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आएगा माइनस का 15। तो मतलब ए टेन कितना आ गया माइनस का 15, मतलब टेंथ टर्म कितना आ गया माइनस का 15। तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, ये सम ऑफ एन टर्म नहीं है, यहाँ पर ओनली सिर्फ एन टर्म बोल रहा है, एंथ टर्म। तो मैं इसको ए एन लिखूंगा, सम की बात नहीं कर रहा हूँ, जाके चेक कीजिए आप, एंथ टर्म फाइंड करने बोल रहे हैं। तो देखिए आप, जैसे हमने ए टेन फाइंड किया वैसे ही हमने ए एन फाइंड करना है। ए एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, यही तो होगा। यहाँ पर देखिए ना, हमने ए टेन फाइंड किया तो कैसे किया था, एस टेन और टेन में से एक गया नो, तो माइनस एस नाइन। वैसे यहाँ पर हमें ए एन फाइंड करना है एंथ टर्म, तो क्या करेंगे, एस एन जो बोल रहा है वही नंबर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर टेन है तो टेन ही लिया, एस टेन है ना, बाद में घटाते हैं। तो एस एन माइनस एक कम करो एन में से, एन माइनस वन, एन तो हमको पता नहीं है ना हमको, तो एन को एन ही रखना पड़ेगा, तो एस एन माइनस वन। तो आप ये फाइंड कर लेंगे तो आपका एंथ टर्म भी आ जाएगा। तो हम लोग फाइंड करते, देखिए एस एन क्या है, एस एन तो दिया हुआ है कितना है, ये फोर एन माइनस में एन स्क्वायर है ना, एन की जगह पे एन ही रखना है, क्या रख के करेंगे हम। अब आपको फाइंड करना है एस एन माइनस वन, क्या करना है एस एन माइनस वन, मतलब क्या है, जहां पर एन है वहां पर क्या रखेंगे एन माइनस वन। देखते हैं जहां पर एन है वहां क्या रखेंगे, जहां पर एन है क्या रखेंगे एन माइनस वन, जहां पर एन है क्या रखेंगे एन माइनस वन। यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी, यहाँ पर कोई वैल्यू होता है ना जैसे नाइन, तो नाइन पुट करना आसान होता है। आप कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन रख के चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूला आता है, सॉल्व करते हैं आगे हम। तो ये होगा फोर एन, ये होगा माइनस का फोर, और यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस का टू ए बी, मतलब टू एन आएगा ना ये, ठीक है। यहाँ पर फोर एन और यहाँ पर फोर, और यहाँ पर क्या आएगा ये माइनस का एन, माइनस प्लस माइनस का एन स्क्वायर, और ये माइनस का वन, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का टू एन, ठीक है। कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए पहले, यहाँ पर ए इससे जुड़ेगा, ठीक है ना, और ये इससे जुड़ेगा, तो चार और दो छः, लाइक टर्म कौन सा है टू एन यहाँ पर है, टू एन यहाँ पर है, तो ये कितना आएगा सिक्स एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सिक्स एन, और ये फोर और फाइव, वन कितना होता है फाइव, माइनस का फाइव, और ये कितना है एन स्क्वायर, जितना जुड़ना था जुड़ गया और जुड़ेगा नहीं है। अब हमें एन टर्म फाइंड करने बोला है ए एन, तो हमें पता है ना एस एन पहले लिखेंगे, एस एन कितना आया हमारा ये फोर एन माइनस में एन स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं हम लोग एस एन माइनस वन, तो माइनस करेंगे एस एन माइनस वन कितना आएगा सिक्स एन माइनस में फाइव माइनस में एन स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो ब्रेकेट लगा रहा हूँ, ब्रेकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा तीन टर्म है, ये माइनस तीनों के साथ जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे आप तो ऐसा लगेगा ये माइनस खाली इसके साथ है, तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तभी आंसर सही आ पाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फोर एन माइनस में एन स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस का सिक्स एन, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस प्लस का फाइव, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस प्लस का एन स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, इससे कट गया एन स्क्वायर, एन स्क्वायर
और ये कितना आएगा, 6 में से 4 गया, कितना आएगा 2, माइनस का 2n, ठीक है जी। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस आएगा ना, लाइक टर्म है ना, 2n, ये 6n, ये 4n, n वाला में से n जाएगा ना, ठीक है, प्लस का 5, तो मतलब nth टर्म आपका आ गया, an जो आ गया आपका 2n प्लस 5। तो एक बार फिर से आप जाके, थोड़ा टफ एक क्वेश्चन मानता हूँ मैं, टफ एक क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना पड़ेगा तो एपी के सारे जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।